प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो में हम 20वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में कबीर की कुछ और शाखियों को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वर्कशीट में हम 5 शाखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठी और 7वीं साखी को पढ़ेंगे, साथ में इसे गाने की कोशिश करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, यहाँ पर जो छठी साखी है उसे पढ़ते हैं कि कावा फिरी कासी भया राम ही भया रहीम मोटे चून में दा भया बैठ कबीरा जीम कबीरा बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को एक जैसा मानने लगता है, सभी में एक जैसा व्यवहार करता है, अपने धर्म को बड़ा और दूसरों के धर्म को छोटा नहीं मानता है, तो उसके लिए सभी धर्म एक जैसे हो जाते हैं, सभी भगवान अल्लाह खुदा सब एक जैसे हो जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी में उसे भगवान अल्लाह खुदा गॉड सब में एक जैसा ही उसे दिखाई देता है। तो क्या होता है फिर कि काबा फिरी काशी भया, जो काबा है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन जिसके मन में सभी एक जैसा है, काबा भी एक जैसा, काशी भी एक जैसा, हिंदू भी एक जैसा, मुसलमान भी एक जैसा, तो उसके लिए काबा और काशी एक ही जैसे हो जाते हैं, काबा काशी बन जाता है, काशी काबा बन जाता है। तो आप भी बताइए, जब सब एक जैसा हो गया तो क्या काबा और क्या काशी, राम ही भया रहीम, और राम क्या है, वो रहीम बन जाते हैं, रहीम राम बन जाते हैं, है ना। राम हिंदुओं के देव हैं तो रहीम मुसलमानों के देव हैं, तो ये राम और रहीम दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि दोनों भगवान हैं, दोनों अल्लाह हैं, दोनों खुदा हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि मोट चून मैदा भया। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक आटा है, चून यानी कि एक आटा होता है, और मैदा आप जानते ही हैं। आटे में और मैदे में कौन कौन सा अनाज मिला है ये हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ आटा दिखता है, हमें सिर्फ मैदा दिखता है, उसमें कौन कौन से दाने हैं, क्या क्या मिलाया है, गेहूं बाजरा चना, है ना, हमें कुछ नहीं पता। उसी तरीके से जब मोटा चून जो आटा है वो मैदे की तरह हो जाता है और मैदा आटे की तरह हो जाता है, यानी कि मैदे और आटे में कोई फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे लिए तो पता ही नहीं है इसमें क्या मिलाया है, है ना। जब भेद दूर हो जाता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि बैठ कबीरा जीम, भाई तू खाने से मतलब रख, तुझे इन चीज़ों पे पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, तुझे राम रहीम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, तुझे काबा काशी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, तुझे आटा और मैदा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, तुझे खाने से मतलब होना चाहिए और इसी के बाद तेरा जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। अगले में कहते हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया जिकर नीच न हो सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय कबीरा साधु निंदा सोय। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचा खानदान बड़े लोग ये क्या होता है, अगर कोई इंसान ऊंचे कुल में जन्म लिया है, कोई बच्चा कोई आदमी कोई इंसान अगर बड़े कुल में जन्म हुआ, बड़े परिवार में उसका जन्म हुआ, ऊंचा कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई पढ़े लिखे परिवार में हो या ब्राह्मण हैं, उच्च कुल में पैदा हुआ हो, अमीर कुल में पैदा हुआ हो, अमीर परिवार में पैदा हो, जे करनी ऊंचे न हो लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, उसके जो काम हैं वो बड़े गंदे काम हैं, लोगों को परेशान करना, झूठ बोलना, शराब पीना, उल्टे काम करना, लड़कियों को छेड़ना, मतलब सारे काम उल्टे हैं,
तो बताइए, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अगर उसके कर्म नीच हैं, कर्म खराब हैं, तो क्या वो इंसान ऊंचे कुल का है? क्या वो ऊंचे कुल का माना जाएगा? कबीरदास जी एग्जाम्पल देते हैं कि सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण यानी कि सोने के, कलश यानी कि बर्तन में, सुरा यानी कि शराब। अगर सोने के बर्तन में शराब भर दें तो साधु जो अच्छे लोग होते हैं वो उस सोने की भी निंदा करते हैं, वो कहते हैं हमें सोने का बर्तन भी नहीं चाहिए, ये बेकार हो गया। लेकिन आज के टाइम आप कहो भाई शराब तो सभी लोग पी रहे हैं, अगर सोने के बर्तन में मिल गया तो ये तो और भी अच्छा हो गया। लेकिन जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं कि शराब गंदी, और अगर शराब को जिस बर्तन में रख दिया वो बर्तन भी गंदा हो जाता है, इसलिए हमें अपने कर्म ऊँचे रखने चाहिए, हमें नीच कर्म नहीं करने चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, हम जो काम करते हैं वो अच्छे होने चाहिए, हमारे कुल से, हमारे परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए ये है दो शाखियाँ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, और तीन सवाल यहाँ पर आपके लिए MCQ है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इन MCQ पे बात करते हैं, और उसके बाद हमारे जो एक्सप्लेन वाले सवाल हैं। पहला सवाल है, काशी किस प्रदेश में स्थित है? काशी राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो काशी कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसी तरीके से देखो, सुवर्ण का तत्सम रूप होगा सुवर्ण, तो सुवर्ण का तत्सम रूप है सोना, सॉरी तत्सम रूप पूछा है तो सुवर्ण का होगा स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोना। तो सोना जो है वो हिंदी है, तद्भव है, लेकिन तत्सम क्या है? स्वर्ण है। और तीसरा है, यहाँ निंदा से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ निंदा से अभिप्राय है कमियाँ बताना, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, पहले का है उत्तर प्रदेश, दूसरे का सुवर्ण का तत्सम रूप स्वर्ण, और निंदा का कमियां बताना, ठीक है। चौथा, पांचवा, और एक गतिविधि है इसे हम देखते हैं। चौथा सवाल है, यहाँ राम ही भया रहीम से क्या अभिप्राय है? राम रहीम बन गए, इसके क्या मतलब है? प्रस्तुत साखी की पंक्ति राम ही भया रहीम के माध्यम से कबीरदास जी राम और रहीम को एक मानते हुए अभेद प्रकट कर रहे हैं, यानी कि इनमें कोई भेद नहीं है। अर्थात जब हम सभी धर्म समान दृष्टि से देखते हैं, सभी को एक जैसा मानते हैं, तो राम और रहीम दोनों एक ही नज़र आने लगते हैं, हम फिर इनमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करते हैं। अगला सवाल है, जे करनी ऊंच न हो से क्या आशय है? देखिए, प्रस्तुत साखी की पंक्ति जे करनी ऊंच न हो के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होते तो हम तिरस्कार योग्य हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कुल की वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगली है आपके पास गतिविधि, और गतिविधि है यहाँ पर, काबा और काशी दोनों तीर्थ स्थल हैं, दोनों पवित्र स्थल हैं, इन दोनों तीर्थ स्थलों की ऐतिहासिकता की जानकारी दीजिए और दोनों पर एक एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों पर अनुच्छेद लेके आया हूँ। पहले हम देखते हैं काबा। काबा पवित्र काबा मक्का सऊदी अरब, पवित्र काबा सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी मक्का में स्थित है। काबा मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है, हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मुहर्रम माह जब मुहर्रम मनाया जाता है तो लगभग 20 से 25 लाख हज यात्री आते हैं। यहाँ काबा के अलावा मस्जिद अल हरम भी स्थित है, ठीक है। इस तरह से इस पे अनुच्छेद लिखोगे। और अब देखते हैं हम काशी पे। काशी इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव के शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण यह आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत की प्राचीनतम वेद
ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। तो काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल है और काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल है। तो चलिए, ये है आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा आप हिंदू और मुसलमान में कितना भेद मानते हैं, आपके लिए काबा और काशी कितना अलग है और कितना एक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।